नमस्कार, मैं ज्ञानरंजन त्रिपाठी, प्राध्यापक अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस आईसर पुणे की। आज आप लोगों के साथ माउंटेन रिवर्स और CO2 के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। ये मेरे रिसर्च का एक कंपोनेंट है। मैं जियो केमिस्ट हूँ, जिसमें कि मैं केमिस्ट्री यूज़ करता हूँ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने में। तो आज जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, वो तीन जो टर्म्स मैंने यूज़ किया, माउंटेन, रिवर और CO2, वो तीन जियोलॉजिकल प्रोसेस को एक्चुअली समझाते हैं। वो जो तीन प्रोसेसेस हैं वो है टेक्टोनिक्स, जिससे कि हम पर्वत बनाते हैं, और उसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बात करूँगा। उसके बाद रिवर, रिवर में आप देखते हैं कि जब नदी बहती है उसमें काफ़ी मिट्टी या फिर नदी की एक डिजॉल्व में कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो रिवर को रिफ्लेक्ट करता है। वो इरोजन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। और फाइनली CO2 जो कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे सोलर सिस्टम को देखें तो उसमें बहुत ही सारे चीज़ें यूनिक है, वो दूसरे प्लैनेट में नहीं है। उसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो है लाइफ और वाटर। हमारी यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और वाटर है जो कि लिक्विड फेज में रहती है। जबकि और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है, हम एक्टिव हैं जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वाइज, वोल्कनो होते हैं, माउंटेन बनते हैं। ये दोनों प्रोसेस हमें काफ़ी अलग करते हैं दूसरे प्लैनेट्स में। अगर आप इन सोलर सिस्टम में देखें, अगर आप मान लें कि सन जो है वो एक ऑरेंज है और अर्थ अगर एक मिट्टी मान लें, आप मिट्टी की रेत माने, तो रेत को अगर आप ऑरेंज के चारों दिशा में घुमाने की कोशिश करें तो टेंटेटिवली अगर उसी स्केलिंग में देखेंगे तो 9 मीटर की दूरी पे है। ये जो डिस्टेंस है, जिसे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कहते हैं, वो काफ़ी क्रूशियल है। क्रूशियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी जो आती है वो काफ़ी ऑप्टिमल तरीके में आता है, काफ़ी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उसका जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। उसके बारे में मैं बताऊँगा। देखेंगे आप, अगर हम डिफरेंट एटमॉस्फेयर का, डिफरेंट प्लैनेट की, अगर विनस, शुक्र और मंगल की अगर आप देखें, तो ये दोनों प्लैनेट जो हैं उनकी एटमॉस्फेयर में काफ़ीतर CO2 ही पाए जाते हैं। जबकि हमारे प्लैनेट अर्थ में इसकी जो कंस्टिट्यूएंट है वो मेनली नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, और CO2 काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि 400 ppm, आज की डेट में अराउंड 400 ppm है। वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट है कंपेयर टू जो दो दूसरे प्लैनेट है उसमें काफ़ी परिमाण में CO2 है। अब ये जो छोटी परिमाण में हम CO2 पाते हैं वो भी क्रूशियल है। मेनली क्यों? क्योंकि जब सन से एनर्जी आती है वही हमारे प्लैनेट को गर्म करती है। अगर आप सन की एनर्जी को लेके एक कैलकुलेशन करें कि हमारे प्लैनेट की टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। -18 डिग्री मतलब पानी का जो वाटर है वो कभी भी लिक्विड फेज में नहीं रहता, बर्फ़ की दिशा में चली जाती, और हम लोग शायद यहाँ नहीं रह पाए होते। बट आज की अगर आप तापमात्रा देखें पूरी पृथ्वी की और उसकी एवरेज करें तो वो अराउंड 15 डिग्री के आसपास है। अब जो -18 होने चाहिए थे वो 15 डिग्री है, इसका अर्थ है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया। अब वो 30 डिग्री बढ़ा है इसलिए क्योंकि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है और वो ट्रेस गैसेस हैं, बट सफिशियंट है कि वो टेम्परेचर को केवल 30 डिग्री ही बढ़ाए, जिससे कि हमारा जो वाटर है वो लिक्विड फेज में पानी की तरह हमें मिलती है, बर्फ़ की तरह नहीं। ये सब जो चीज़ें हैं कि CO2 और उसकी रहना या दूसरे प्लैनेट में नहीं है कि मगर हमारे प्लैनेट्स में है, ये सब एक्चुअली उसकी आंसर जो है वो अगर आप अर्थ पृथ्वी के नीचे की हिस्से जो है जिसे हम देख नहीं पाते हैं उसके बारे में जानेंगे तो काफ़ी सहज में समझ सकेंगे। अगर हम देखते हैं जो ऊपर का लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं, अंदर मेंटल है और उसके नीचे कोर है। ये मेंटल में काफ़ी हीट एनर्जी होता है। वो हीट एनर्जी कहाँ से आई है? वो बहुत सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो कि डिके करते हैं और वो काफ़ी एनर्जी देते हैं, और उसी दौरान ये जो एनर्जी है वो शॉर्ट ऑफ कन्वेक्शन सेल क्रिएट करता है। वो कन्वेक्शन क्या होता है कि अगर आप पानी का एक वेसल लें, उसमें पानी को गर्म करें और उसके ऊपर वुडन ब्लॉक अगर आप रखें तो एक सॉर्ट ऑफ लेयर क्रिएट होता है जो कि हम देखते हैं। ये जो सर्कुलेशन होता है पानी का
उससे ये ब्लॉक मूव करते हैं, इधर वो आपस की तरफ आएंगे या दूर चले जाएंगे। वैसा ही कुछ एक्चुअली मेंटल में होता है, जिसमें कि कन्वेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर भी हीट एनर्जी है और वहाँ पर कंटिनेंटल क्रस्ट जो हमारा ऊपर की हिस्सा है पृथ्वी का, वो भी मूव करने लगते हैं। अगर वो दूर गए तो वो पतले हो जाते हैं, समंदर बन जाते हैं, अगर वो पास आते हैं तो वो एक दूसरे से टकरा के वो माउंटेन बना देते हैं। तो ये जो माउंटेन बनता है, वही चित्र में यहीं दिखाया हूँ, जैसे कि दो एक समंदर था, दोनों तरफ दो क्रस्ट थे, वो आपस की तरफ मूव करने लगे और मूव करने के दौरान ऐसा सिचुएशन आया जिसमें कि ये समंदर बंद हो गया और माउंटेन बन गए, और ये समंदर की मिट्टी कुछ मात्रा में एक्चुअली माउंटेन के ऊपर पाए जाते हैं। तो आप अगर कहीं जाएंगे तो कहीं कहीं पहाड़ के ऊपर भी आप फॉसिल पाएंगे, समंदर के फॉसिल आप पहाड़ के ऊपर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही कुछ प्रोसेस से वो माउंटेन शायद बना होगा। तो पृथ्वी में एक चमत्कार चीज़ ये होता है कि जो वोल्केनो से CO2 बनता है, वही मेजर सोर्स है CO2 का। आप CO2 देते गए तो एटमोसफेयर में बढ़ना चाहिए, और बढ़ते बढ़ते वो शायद मार्स या वीनस की तरह एक हायर CO2 कंसंट्रेशन होनी चाहिए, बट वैसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो CO2 हमने सप्लाई करते हैं वोल्केनो के थ्रू, वो काउंटर वो घट जाता है एक प्रोसेस से जिसे हम सिलिकेट वेदरिंग कहते हैं। सिलिकेट वेदरिंग क्या होती है कि सिलिकेट एक किस्म की रॉक है, एक किसी उस रॉक में काफ़ी सिलिकेट मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपने शायद कभी बसाल्ट देखा हो या ग्रेनाइट देखे हो, तो वो सब सिलिकेट रॉक्स है। दूसरी तरह की भी रॉक पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है या कार्बोनेट रॉक्स है, ये सब आप देखे होंगे, बट काफ़ी मात्रा में इंडियन क्रस्ट में अगर आप देखें तो वो सिलिकेट रॉक्स ही पाए जाते हैं, बसाल्ट होगा या फिर ग्रेनाइट होगा, तो उसमें सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। उसको अगर आप वेदर करें केमिकली वेदर, मतलब सोचिए कुछ पिक्चर्स मैंने दिखाया है जहाँ पर वेदरिंग किस तरह से होते हैं, पत्थर टूटते कैसे हैं या फिर मिट्टी के कार्विंग कैसे हुआ है, ये बायोलॉजिकली भी हो सकता है, ये ग्लेशियर से भी हो सकता है, रिवर से भी हो सकता है, ये सब दौरान आप उसको फिजिकली भी तोड़ सकते हैं, केमिकली भी तोड़ सकते हैं। केमिकली तोड़ने के लिए आपको एसिड की ज़रूरत पड़ता है, और वो एसिड आता है जब आप एटमोसफियर में CO2 है और सॉयल में CO2 है, CO2 और पानी को अगर आप मिलाएंगे तो एक कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जब रॉक को, सोचिए कि यहाँ पर एक लाइमस्टोन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होती है, उसमें CO2 मिलाएंगे तो रिवर में कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आएगा, और वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब आप समंदर में जाएंगे तो वो सुपर सेचुरेट हो सकता है या बायोलॉजिकली अपटेक हो सकता है, होके कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट हो जाता है। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट हुआ तो CO2 जो लिया गया था एटमोसफेयर का वो कंज्यूम रिटर्न हो जाता है। तो कार्बोनेट डिजोल्यूशन में ज़्यादा कुछ फर्क CO2 में नहीं आती है, बट अगर सिलिकेट में देखें तो 2 मोल CO2 का लेता है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होते समय रिटर्न कर देता है। तो इफेक्टिवली जो सिलिकेट मिनरल डिजोल्यूशन होते हैं उसमें जो कन्वर्जन है कार्बोनेट का, एक कार्बन को वो कंज्यूम कर देता है, इसीलिए वो एक सिंक माना जाता है CO2 का। तो जो वोल्केनो का CO2 है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऐसी एक प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि CO2 बढ़ गया, घट गया है और टेम्परेचर घटा है? तो ये एक रिकॉर्ड है जो कि पिछले काफ़ी सालों का रिकॉर्ड है, 70 मिलेनियर में हमारा टेम्परेचर, CO2, सी लेवल, ये सब जो मेन पैरामीटर्स है क्लाइमेटिक चेंजेस के, उसको मैंने यहाँ दर्शाया है। अगर आप देखें तो 60 के आसपास ये जो टेम्परेचर है वो काफ़ी घट गया था, ये 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हुआ करती थी, और आज के डेज में वो 15 डिग्री के आसपास हुआ है, तो ये 10 डिग्री आसपास घट गया है। ये किस लिए हुआ है? क्योंकि सी लेवल में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट अगर आप एटमोस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन देखें तो वो अराउंड 1500 ppm था, आज की डेट में अगर 400 है, तो ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर घटा है उसका सेम प्रोपोर्शन में अराउंड 1000 ppm CO2 घट गया था। अब ये क्यों घटा है उसको जानने के लिए एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट रेमो एंड रूडीमैन, उन लोगों ने क्या कहा था कि ये जो टेम्परेचर घटा है उसी समय पे एक्चुअली हिमालय बनी थी। हिमालय जो पर्वत बना है वो अराउंड 60 मिलेनियर में ही बना है, क्योंकि इस समय पे कुछ और मेजर जियोलॉजिकल इवेंट नहीं हुआ, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हिमालय का पर्वत बनना
और उसकी जो रॉक्स है वो सडनली एक्सपोज हो गया वेदरिंग के लिए, तो अगर वहाँ की सिलिकेट रॉक्स को अगर आप वेदर कर पाएँ तो CO2 कंज्यूम कर सकते हैं, और CO2 कंज्यूम करेंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। मगर क्वेश्चन ये था कि हिमालय जो कि अगर आप पूरा पृथ्वी देखें तो एक छोटी सी लैंड मास है, हो सकता है कि 2-3% हो, क्या 2-3% लैंड मास की वेदरिंग प्रोसेस सफिशियंट है CO2 को घटाने के लिए ग्लोबली? तो उसको इवैल्यूएट करना हम लोगों का रिसर्च है। तो हम लोग क्या करते हैं, हिमालयन रिवर जैसे आप जानते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये एक पिक्चर है ब्रह्मपुत्र की जिसमें कि मिट्टी से वो काफ़ी भरा हुआ है, तो मानसून का टाइम है, तो ये एक्चुअली इतना मिट्टी और इतना वाटर समंदर को भेजते हैं कि ये पृथ्वी का सबसे ज़्यादा सप्लाई जो फिजिकल और केमिकल इरोजन का होता है वो इसी रीजन में होता है। हमने क्या किया, हमने कुछ रिवर वाटर्स कलेक्ट किए हैं इन्हीं रिवर में, उसको एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिससे कि हम उसकी कंसंट्रेशन जान पाएँ, और कुछ कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेट किया कि इन रिवर्स का CO2 कंजम्पशन पोटेंशियल कितना है, कितना सिलिकेट वेदरिंग होता है और ये लोग कितना CO2 कंज्यूम कर सकते हैं हिमालय में। और उसके बाद हमने कंपेयर किया ग्लोबली, क्या वो ज़्यादा है, जैसे कि रेमो रुडिमन बताए हैं, क्या ये सही में ज़्यादा है। उसको स्टडी करने के लिए हम ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें कि मेरे स्टूडेंट्स लोग डिफरेंट जगहों से पानी कलेक्ट कर रहे हैं या समंदर में जाके मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं, और उसको लाके फिर वो लोग काफ़ी एनालिसिस करते हैं, आइसोटोपिक एनालिसिस करते हैं, जियोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में करते हैं, सेडिमेंट में करते हैं, वाटर में करते हैं, करके बहुत सारे डाटा क्रिएट करने के बाद उसके हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो वो कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिवर वाटर जो होते हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आता होगा, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स भी होता होगा, ग्राउंड वाटर भी होता होगा, एटमोसफियर से बारिश हुआ तो वो भी देता होगा, रॉक का डिजोल्यूशन भी करता होगा, रॉक में भी सिलिकेट है, कार्बोनेट है, ये सब में हमारा इंटरेस्ट केवल सिलिकेट के लिए है। तो हम उसमें क्या करते हैं, टिपिकली रिवर जो है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम होती है, एनायन जो है क्लोराइड बाइकार्बोनेट सल्फेट और नाइट्रेट होती है, और कुछ सिलिसिक एसिड भी इसमें पाए जाते हैं। हम सभी कंस्टिट्यूएंट को मेजर करते हैं जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। हमें पहले से जानकारी है कि कौन सी रॉक में किस किस्म के कंस्टिट्यूएंट आ सकते हैं, और उसको लेके हम लोग एक कैलकुलेशन, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है, सोचिए आपने कैल्शियम मेजर किया रिवर में, तो मान लीजिए आप हिमालय में हैं जहाँ पर के एंथ्रोपोजेनिक या फिर ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर करें, तो रेन सिलिकेट और कार्बोनेट के साथ एक ऐसा छोटा सा इक्वेशन लिखा जा सकता है, कैल्शियम रिवर जो है कैल्शियम रेन से आ सकता है, और उसका कुछ फ्रैक्शन जो है, पूरा नहीं, कुछ फ्रैक्शन कैल्शियम से आएगा, कुछ सिलिकेट से आएगा और कुछ कार्बोनेट से आएगा। तो उसको हम कंप्यूट करते हैं कुछ इसी तरह से कि सोडियम है तो क्लोराइड जो है वो रॉक में नहीं होते हैं, बट सोडियम जो है वो रेन में भी होते हैं, बट सिलिकेट में होते हैं, कार्बोनेट में नहीं होते हैं। ऐसी जानकारी को लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना कैटायन है इस पर्टिकुलर रिवर का जो कि सिलिकेट से आया है। उसको जानने के बाद हम लोग सिलिकेट वेदरिंग रेट कैलकुलेट कर पाते हैं। सिलिकेट वेदरिंग रेट मतलब CO2 कंजम्पशन पोटेंशियल उस रिवर को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये जो पिक्चर मैं अभी दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ में मैंने ब्लू कलर में डाला है जो कि हिमालयन रिवर से, और बाकी रिवर ग्लोबली जो बड़े बड़े रिवर हैं, अमेजन हुआ, मिसिसिपी हुआ, मैकेंजी हुआ, इवन ग्लोबल एवरेज नंबर है, वो सारे नंबर मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। तो अगर आप देखें कि हिमालयन रिवर में ये टिपिकली 4×10^5 मोल पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर की नंबर पाए जाते हैं, जबकि ग्लोबल नंबर 1 के आसपास है। तो इफेक्टिवली जो ग्लोबल CO2 ग्लोबल रिवर का एवरेज आप करें CO2 कंजम्पशन रेट की, तो वो 4 गुना कम है हिमालय से। इसका अर्थ यह है कि सही में आज की डेट में एटलीस्ट CO2 कंजम्पशन रेट हिमालय का बहुत ज़्यादा है, तो वो CO2 ग्लोबली कंट्रोल कर सकता है। बट क्या वो 60 साल से कर रहा है, उसको जानने के लिए हमने एक प्रॉक्सी लिया स्ट्रॉन्शियम आइसोटोप करके। ये प्रॉक्सी इसलिए लिया क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में हम बाद में जा सकते हैं, बट अगर इस प्लॉट को आप खाली समझें कि जो स्ट्रॉन्शियम आइसोटोप है वो ग्लोबल रिवर के लिए बहुत ही कम है, और हिमालय के लिए वो डिस्टिंक्टली हायर है। अब क्योंकि ये डिस्टिंक्टली हायर है, हमने सोचा कि इसी को देखते हैं सी वाटर में, ग्लोबल सी वाटर में, क्या ये जो अगर ज़्यादा हुआ होगा हिमालय का, ग्लोबल सी वाटर भी बढ़ गया होगा।
तो यही वो ट्रेंड हमें दिखाता है। तो ग्लोबली अगर आप समंदर की पानी में स्ट्रोंसियम आइसोटोप मेज़र करें और उसकी एक रेसिडेंस टाइम होता है उसको अगर आप कंसिडर करें, तो जो हिमालय का इवोल्यूशन है उसके अराउंड सी वाटर की जो स्ट्रोंसियम आइसोटोप रेशियो है वो स्टेडीली इंक्रीज़ किया है। अब हम जानते हैं कि हिमालय के रिवर का स्ट्रोंसियम आइसोटोप बहुत ज़्यादा है, बाकी जो रिवर है या वोल्कानो है अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो केवल एक ही चीज़ है जो इसको बढ़ा सकता है सी वाटर में, और वो हिमालय वेदरिंग है। तो जो प्रीवियस मैंने आपको प्लॉट दिखाया, ये प्लॉट जहाँ पर कि CO2 कंजम्पशन पोटेंशियल ज़्यादा था और वो काफ़ी समय से ज़्यादा है और वो ग्लोबली समंदर की जो केमिस्ट्री है या फिर क्लाइमेट है उसको कंट्रोल कर रहा है, ये हमें कंफर्म करती है कि हिमालय ही मेन फैक्टर था जो कि लास्ट 60 मिलेनियर में जो ग्लोबल कूलिंग की तरफ हम जा रहे हैं तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट था। अब ये स्टडी करके जियोलॉजिकली हम जान चुके हैं कि मिलेनियर स्केल में ये सिलिकेट वेदरिंग इम्पॉर्टेंट है। माउंटेन आप बनाएं, सिलिकेट वेदरिंग करें और CO2 अगर घटा पाएं तो आप क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने देखा हिमालय के केस में। बट क्या इसको यूज करके हमारा जो आज का प्रॉब्लम है जिसमें कि हम लोग कह रहे हैं कि CO2 कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है, CO2 कंसंट्रेशन प्री इंडस्ट्री में 250 ppm था और आज वो बढ़ के 420 के आसपास हो गया है, और लास्ट 50-60 साल में ही देखें तो 100 ppm बढ़ गया है। जो सिलिकेट वेदरिंग हम जिस पे बात किए, क्या वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या हम उसे यूज़ कर सकते हैं कि ये CO2 घटाने के लिए? तो उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझना पड़ेगा कि सिलिकेट रॉक्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उसकी मिनरल जो है वो कैसे डिजॉल्व होता है। तो अगर आप देखें सिलिकेट रॉक्स, आपने काफ़ी ये सब देखे होंगे, बसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो, रियोलाइट, ये बहुत किस्म के सिलिकेट रॉक्स है जो हम पाते हैं। उसमें जो मिनरल्स होते हैं ओलिविन, पाइरोक्सिन या फिर फेल्डस्पार, पेजियोक्लेस, क्वार्ट्ज, वो डिफरेंट टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज हुए थे। सो वो मेंटल से आते आते डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में वो फॉर्म होते हैं। अब क्या होता है, जो हायर टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज हुआ है वो रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर में, मतलब जहाँ पर हमारा सरफेस में टेम्परेचर तो काफ़ी लो रहता है, 30-50 की डिग्री, 30 डिग्री के सेंटीग्रेड रहता है, जबकि ये लोग क्रिस्टलाइज हुए हैं 1200 पे। तो ये ओलिविन और पाइरोक्सिन जो कि हायर टेम्परेचर में फॉर्म हुए हैं वो लो टेम्परेचर में, मतलब हमारी जो सरफेस की टेम्परेचर है उसमें वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाते हैं। तो अगर इसी किस्म के रॉक, बसाल्ट टाइप के या ग्रेनाइट टाइप के रॉक्स हो जिसमें कि ओलिविन हो, पाइरोक्सिन हो, तो ये मिनरल्स को हम यूज़ कर सकते हैं सिलिकेट डिसोल्यूशन के लिए और CO2 को घटा सकते हैं। अब वो पाएंगे कहाँ पर, अगर आप इंडिया का मैप देखें, ये इंडिया की नदियों की मैप है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सारे रिवर्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े रिवर्स पाए जाते हैं हमारे कंट्री में। उसी जगह पे अगर आप जियोलॉजी देखें हमारी कंट्री के, या मीन्स कौन कौन सी रॉक मिलते हैं हमारी कंट्री में, तो हमारे देश में एक्चुअली ज़्यादातर जो रॉक हैं वो सिलिकेट्स हैं। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर हैं वो बसाल्ट रॉक है, ये जो पिंक कलर हैं वो ग्रेनाइट्स हैं। तो काफ़ी 60-70% तो कम से कम जो है वो सिलिकेट रॉक्स हैं। पर्टिकुलरली ये जो बसाल्ट रॉक है उसमें ओलिविन, पाइरोक्सिन टाइप के मिनरल्स मिलते हैं जो कि इजीली डिजॉल्व भी हो जाते हैं। अगर उस टाइप के मिनरल्स को अगर हम पाउडर करके, तो लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि आप इन बसाल्ट रॉक को पाउडर कर लें। पाउडर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जब छोटे फ्रैक्शन में चले जाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो वाटर रॉक इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो ज़्यादा जल्दी वो डिजॉल्व हो सकते हैं। तो आप उनको पाउडर कर लें, और पाउडर करके एग्रीकल्चर लैंड में अगर इसी पाउडर सिलिकेट डस्ट को डाल दिया जाए, क्योंकि वो इजिली डिजॉल्व हो सकते हैं और वो इजिली सिलिकेट हैं, तो वो CO2 जो एटमॉस्फेयर या सॉइल CO2 है उसके साथ वाटर का मिला के, जब कार्बनिक एसिड, जिस प्रोसेस को हम बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस काफ़ी एनहांस्ड कर लेता है, मतलब बढ़ा देता है, काफ़ी क्विकली बढ़ा देता है। अब आप सिलिकेट मिनरल्स को अगर डिजॉल्व कर लिए तो वो बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये बाइकार्बोनेट पानी में रहेगा 1 लाख के आसपास के साल का रहता है, तो 1 लाख साल तक वो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है
वो घट गया और वो पानी में एक कंस्टिट्यूएंट की तरह रहा, एक कम्प्लेक्स की तरह रहा, जो कि हमें परेशानी नहीं करेगा। तो ये एक प्रक्रिया हो सकता है जिसे कि हम CO2 को घटाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसपे कि लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिसे कुछ कुछ एलिमेंट्स है इन डस्ट में, बसाल्ट्स में, क्रोमियम, निकल, ये सब अगर बहुत ज़्यादा पानी में आएगा तो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। तो साइंटिस्ट लोग उसके बारे में अभी रिसर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम CO2 घटा सकें और लोगों के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर में टॉक्सिक जो एलिमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स जिसको कहते हैं, वो परेशानी ना करें, उसका एक ऑप्टिमल बैलेंस लाने की, या जिससे ऐसा कुछ करें जिसमें कि CO2 भी घट जाए और पानी खराब ना हो और स्वस्थ रहें हम सब, उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया जाता है। तो यही मैं आप लोगों के आज शेयर करना चाहता था, जिसमें मैं ये बताना चाहता था कि नदी और नदी में जो प्रक्रियाएं घटती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी पृथ्वी की जलवायु या फिर केमिकल बजट को समझने के लिए। पर्टिकुलरली एक मिनरल है जो कि सिलिकेट मिनरल्स हैं, वो एटमॉस्फेरिक CO2 का एक सिंक है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। जैसे हमने देखा कि अगर हिमालय जब से बना है और उसके जो वेदरिंग हुए थे उसमें तो ग्लोबल टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास घट गया था और एटमॉस्फेरिक CO2 काफ़ी 1000 PPM के आसपास घट गई थी। तो ये प्रोसेसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये केवल जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ही नहीं, हम लोग अगर चाहें इसको पाउडर करें और एनहांस्ड वेदरिंग के लिए उसको डालें तो वो भी एक प्रक्रिया हो सकता है, जिसमें कि आप जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें डालें और उसके CO2 सिक्वेस्ट्रेशन की कोशिश किया जा सकता है। यही बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है और हमें उसको अडॉप्ट करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस टॉक को अटेंड करने के लिए। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस रहे हों तो प्लीज़ आप यूट्यूब में कमेंट करें, हम आपके आंसर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।